नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मेरे सहयोगी हिमांशु भी मौजूद है और हम बात करेंगे ये दिल मांगे कप की। बहुत बड़ा दिन है इंडियन क्रिकेट के लिए, आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला है। हिमांशु, अंग्रेजों से दोगुना लगान वसूलना है आज। अंग्रेजों को हराना है, हराकर बाहर करना है, 2022 वर्ल्ड कप का बदला लेना है और सारे हिसाब चुकता करने हैं सुमित। आज अब वर्ल्ड कप चाहिए, अब 11 साल हो गए हैं, अब वर्ल्ड कप नहीं आएगा तो कब आएगा? 13 साल का इंतजार वर्ल्ड कप का और 11 साल का इंतजार ICC ट्रॉफी का। अब तो दिल कप से नीचे किसी चीज में नहीं मानेगा सुमित। कप से और कम कुछ नहीं चाहिए, कप से कम कुछ भी नहीं चाहिए। यही देश की डिमांड है, यही देश की मांग है। कप्तान रोहित शर्मा तैयार हैं, उनकी ब्लू ब्रीड तैयार है, उनकी जो ब्लू आर्मी है तैयार है। देखने वाली बात होगी कैसा मैच होगा आज, लेकिन मैच को लेकर रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखिए। सेमीफाइनल का मंच तैयार, अंग्रेजों को करो बाहर, फाइनल में जाना है, इस बार वर्ल्ड कप उठाना है। आज हर फैन के दिल में एक ही पुकार और एक ही आस है और वो है इंडिया की जीत। 11 साल से जिस ICC ट्रॉफी और 18 साल से जिस T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का इंतजार है वो बस अब 2 कदम की दूरी पर है। इंडिया ने फिर से एक बार ICC टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में एंट्री मार ली है और बस अब जीत से कम कुछ भी नहीं। पहला सेमीफाइनल जीत कर साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और सभी क्रिकेट फैंस के साथ साथ सबकी नजर इस बात पर है कि इंडिया या इंग्लैंड कौन बनेगा दूसरा फाइनलिस्ट। गुआना का प्रोविडेंस स्टेडियम वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी भिड़ंत के लिए पूरी तरह से तैयार है। कप्तान रोहित शर्मा की धाकड़ छक्के, जसप्रीत बुमराह के धारदार यॉर्कर्स, सूर्य कुमार यादव के गगनचुंबी छक्कों ने एक बार फिर से इंडियन फैंस को ट्रॉफी जीतने की उम्मीद दे दी है। इंग्लैंड वही टीम है जिसने 2022 के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में टीम इंडिया को 10 विकेट से हराया था और टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। टीम इंडिया के लिए इंग्लैंड की चुनौती कठिन होने वाली है और कौन से वो प्लेयर हैं जो टीम इंडिया के लिए खतरा हो सकते हैं आपको वो भी बताते हैं। फिल साल्ट ओपनिंग बल्लेबाज हैं, वर्ल्ड कप में 183 रन बना चुके हैं, 45 का औसत और 166 का स्ट्राइक रेट है। जोस बटलर इंग्लैंड के कप्तान और ओपनिंग बल्लेबाज हैं, वर्ल्ड कप में 191 रन बना चुके हैं, 47 का औसत है और 159 रन का स्ट्राइक रेट। सैम करन वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे अच्छे ऑलराउंडर में से एक हैं, इंग्लैंड की टीम को बैलेंस देते हैं, नई और पुरानी गेंद से इफेक्टिव हैं। जोफ्रा आर्चर 3 साल बाद वापसी कर रहे हैं, 2019 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे, वर्ल्ड कप में अब तक 9 विकेट ले चुके हैं। इसके अलावा लियम लिविंगस्टोन और हैरी ब्रुक 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जिनसे टीम इंडिया को खतरा हो सकता है, लेकिन गुयाना की पिच हमेशा से स्पिन गेंदबाजों के लिए फायदेमंद रही है और टीम इंडिया इस मैच में युजवेंद्र चहल को भी मौका दे सकती है। चहल ने इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं खेला है, लेकिन गुयाना की पिच को देखते हुए इस मैच में टीम इंडिया बदलाव कर सकती है। युजवेंद्र चहल के T20 में आंकड़े भी शानदार हैं। एक बार चहल के T20 आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। युजवेंद्र चहल ने कुल 80 मैच खेले हैं जिनमें से 96 विकेट लिए हैं और उनका औसत रन रेट 25.09 का है, वहीं 8.19 का इकोनॉमिक रन। T20 में चहल के आंकड़े वाकई में लाजवाब हैं और शायद टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन गुआना की पिच को देखते ही लिया गया था। मतलब साफ है कि इस मुकाबले में जडेजा या अक्षर पटेल की जगह टीम इंडिया युजवेंद्र चहल पर दांव खेल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो क्या चहल आज हमें खेलते हुए नजर आएंगे? क्या सेमीफाइनल में टीम इंडिया कोई बदलाव करने जाएगी अपनी टीम में? ये देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि अभी तक टीम इंडिया एक भी मैच हारी नहीं है। क्या इसी प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया सेमीफाइनल का मैच खेलेगी या फिर परिस्थितियों को देखते हुए, पिच को देखते हुए कोई बदलाव हो सकता है? जैसे कि रिपोर्ट में आपने देखा कि चहल आज खेल सकते हैं, कोई एक बदलाव हो सकता है। लेकिन देखिए, आज का मुकाबला इसलिए भी अहम है, डर थोड़ा सा लग रहा है ना, 2022 का डर, तो वो जो डंक है सुमित वो कहीं ना कहीं बार बार याद आ रहा है। चलिए दर्शकों को एक बार 2022 के आंकड़े और रिकॉल करवा देते हैं, वो मैच क्या था वो मैच देख लेते हैं, रिकॉल करा देते हैं। 2022 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, सेमीफाइनल था, इंडिया इंग्लैंड का मैच था, इंडिया ने पहले बैटिंग करी थी, 168 रन बनाए थे,
लग रहा था, तब लग रहा था कि एक चैलेंजिंग स्कोर होगा, लेकिन इंग्लैंड ने वो मैच पूरी तरह से 10 विकेटों से जीत लिया था सुमित, एक तरफा मुकाबला बना दिया था। उस मैच में बुमराह, उस मैच में मोहम्मद शमी भी थे, ये अपने जडेजा भी थे, रविचंद्रन अश्विन भी थे, तो टीम पूरी थी इंडिया के पास, लेकिन 10 विकेटों से हरा दिया था। कहीं ना कहीं जो मेंटेलिटी की फर्क था उस टीम में और इस टीम में वो फिलहाल दिख रहा है। ये टीम ज्यादा अटैकिंग है, ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो टीम थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट थी। अच्छा ठीक है हिमांशु, आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में मैच था, वो ऑस्ट्रेलिया की पिचें होती हैं पेसर्स के लिए अनुकूल होती हैं, लेकिन अभी जो वेस्टइंडीज की पिच है जहां पर जो मैच हो रहा है वहां पर स्पिनर्स को सपोर्ट मिल सकता है, तो स्पिनर तो हमारी ताकत है, कुलदीप यादव है, चहल हैं, अक्षर पटेल, जडेजा, तो शायद हमारे लिए प्लस पॉइंट आज मैच है। बिल्कुल सुमित, देखिए वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जब रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उनसे पूछा गया था कि आप चार चार स्पिनर क्यों लेके जा रहे हैं, वेस्टइंडीज में वर्ल्ड कप है, तीन स्पिनर से काम चल सकता है, तो उन्होंने बताया था कि ये मैं दिन आने पर बताऊंगा, जिस दिन मुझे जरूरत होगी उस दिन आपको बताऊंगा कि चार स्पिनर क्यों हैं। तो मुझे लगता है वो दिन आज का ही दिन है जब चहल की जरूरत इंडिया को पड़ने वाली है। तो निश्चित तौर पर देखिए ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं चहल, क्या कोई चमत्कारिक बदलाव आज टीम में दिखेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और हमारे रिपोर्टर्स भी, हमारे सहयोगी साथी भी लगातार हम मौजूद हैं क्रिकेट फैंस के बीच, उनसे हम रिएक्शन लेते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं फैंस आज के इस मैच को लेकर। चलिए तो सीधे हम रुक करेंगे हमारे सहयोगियों का, जफर हमारे साथ भोपाल से हैं, सौरभ तिवारी हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अनिल गौल ग्वालियर से भी जुड़े हुए हैं। हम तीनों का रुक करेंगे। सबसे पहले जफर, मैं आपके पास आ रहा हूं, बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला, सेमीफाइनल, फाइनल से ज्यादा कठिन सेमीफाइनल को माना जाता है क्योंकि भयंकर प्रेशर होता है सेमीफाइनल मुकाबले के लिए, क्या कुछ कह रहे हैं क्रिकेट फैंस आज के इस मैच को लेकर, जफर? देखिए सुमित, जिस तरीके से हम भोपाल में खड़े हैं और इस वक्त जो है बारिश ने इन क्रिकेट फैंस के मैच में खलल डाल दिया है, ठीक उसी तरह जिस तरह अभी जो वेदर रिपोर्ट गुयाना से आ रही है हमारे पास में, वहां पर भी बारिश हो रही है, तो क्या जो है इस मैच में बारिश एक बड़ा कारण बन सकती है? लेकिन अगर बारिश कारण बनेगी तो मैच सीधा जो है इंडिया के पक्ष में जाएगा और इंडिया सीधे सीमे जो है फाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन क्रिकेट फैंस क्या कह रहे हैं, अगर मैच होता है तो क्या लग रहा है इस बार कौन जीतने वाला है? देखिए जैसा कि अपन देख रहे हैं कि इंडिया की टीम अभी इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सारे, रोहित शर्मा ने पिछले मैच में बहुत एक्सप्लोसिव बैटिंग करी, उसने ही पूरा बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, 10 ओवर में कम से कम हमारे 120 रन दे दिए, इसकी वजह से बहुत तेज़ स्टार्ट होने की वजह से इंडिया बहुत आगे रही पूरे मिडिल ओवर्स में। और देखिए बच्चों के उत्साह को देखिए आप, पूरा चेयर अप माहौल दिख रहे हैं, उम्मीदें लगभग पूरे देश की है कि इस बार वर्ल्ड कप जो है इंडिया के पास आना है। हम कुछ नन्हे बच्चों से बात करेंगे, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतने वाला है? इस बार हम सबकी उम्मीद है तो इंडिया के साथ ही है, अभी वर्ल्ड कप फाइनल और WTC के बाद में ऑस्ट्रेलिया को एलिमिनेट करके भी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और अब अगर फाइनल्स भी जीत जाएंगे तो फिर लास्ट टाइम न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों का रिवेंज निकल जाएगा, 2022 वर्ल्ड कप का सबका बदला हो जाएगा, सबका बदला, देखिए सुमित सबका बदला हो जाएगा, हम और भी लोगों से बात करेंगे। ठीक है जफर लौटूंगा, जफर मैं लौटूंगा आपके पास और सौरभ आपके पास भी लौटूंगा, अनिल आपके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन दर्शकों को आज के मैच के बारे में भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि अफगानिस्तान हार चुका है साउथ अफ्रीका से। हिमांशु, अफगानिस्तान का जो इतनी मेहनत थी सपना टूट गया, लेकिन सुमित साउथ अफ्रीका जिस तरह से खेल दिखा रहा है अब तो डर लगने लगा, अगर साउथ अफ्रीका से इंडिया का मैच फाइनल में पड़ जाता है तो ये बहुत बड़ी एक क्या बोलेंगे बुरी खबर है इंडिया के लिए। तो इंडिया को कहीं ना कहीं आज का मैच जीतने के बाद राह आसान नहीं होगी, राह और कठिन होने वाली, क्योंकि साउथ अफ्रीका इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है सुमित कि सेमीफाइनल जैसे मैच को 9 ओवर में जीतना, वो भी 9 विकेटों से जीतना, ये बहुत बड़ी बात है, और 56 रनों पर ऑल आउट करना और 9 विकेटों से मैच को एक तरफा बना देना सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच को, आप हल्के में नहीं ले सकते हैं अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आई है, इंडिया को कड़ी टक्कर देकर आई है, उसके बाद बांग्लादेश को हराया है, यानी कि मेहनत के दम पर पहुंचे थे, उसके बावजूद अफगानिस्तान को जिस तरह से मारा है सुमित, जितनी बुरी तरह हराया है, वाकई में डराने वाला है और डर लगना भी चाहिए सुमित। बिल्कुल डर लगना भी चाहिए, वर्ल्ड कप में कोई भी मैच आसान नहीं होता चाहे वो कोई भी टीम क्यों ना हो। देखिए अपडेट, फाइनल अपडेट है ये, अफगानिस्तान को हराकर साउथ अफ्रीका ने फाइनल में जगह बनाई है, वो भी पहली बार।
ये जानना महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका ने 9 विकेट से मैच जीत लिया, एक तरफा मुकाबला, बिल्कुल एक तरफा ओवर में मैच, 9 विकेटों से मैच, यानी कि ये जो मैं आपको कह रहा हूँ डराने वाला है, ये वाकई में डराने वाला है। निश्चित तौर पर पहली बार T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची है साउथ अफ्रीका की टीम, इसलिए बेहद ज्यादा खतरनाक है, पूरा जी जान लगा देगी, पूरी ताकत पूरी जान लगा देगी साउथ अफ्रीका इस मैच को जीतने के लिए, फाइनल मैच को जीतने के लिए। हालांकि हम भी लगाएंगे जान, साउथ अफ्रीका भी पूरा निगाहें टिकाकर बैठी है, वो भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में डर तो होगा कि इंडिया ना पड़ जाए फाइनल में। बिल्कुल कमाल की फॉर्म में है साउथ अफ्रीका की टीम, जैसा कि हिमांशु भी कह रहे थे, काफी डेंजरस टीम है और अफगानिस्तान को जिस तरीके से एक तरफा मुकाबले में हराया है वो भी काबिले तारीफ है। चलिए हमारे सहयोगियों का रुख कर लेते हैं, एक बार फिर से रायपुर का रुख करेंगे, सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ बताइए क्या कुछ कह रहे हैं क्रिकेट फैंस, अंग्रेजों से आज दोगुना लगान वसूल होगा क्या? बिल्कुल हिमांशु, अंग्रेजों से दुगना लगान वसूल होगा और ये 100% होकर रहेगा। आइए हम अपने क्रिकेटरों से जानते हैं, आप बताइए कि आज कैसा होगा मैच, क्या हम जीत पाएंगे? हाँ, इंडिया तो जीतेगा ही, क्योंकि बहुत इंडिया का टीम बहुत तगड़ा है और वो तो फिक्स है, इंडिया ही जीतेगा। इंडिया की तरफ से कौन बनेगा ट्रम्प कार्ड? आज बनेगा विराट कोहली, क्योंकि एक भी मैच में अभी तक स्कोर नहीं किया विराट कोहली ने बड़ा स्कोर। बेटा आप बताइए बॉलर में हमारे पास कौन जीताएगा हमको मैच? बुमराह ने अर्शदीप। फाइनल हम जीत पाएंगे? जी हाँ। कैसे जीतेंगे, कैसे? इंडिया की टीम अभी बहुत मजबूत लग रही है और इंग्लैंड अभी उतनी खास नहीं लग रही है हमको। बॉलिंग हमारा कैसा है? बॉलिंग हमारा मेन फैक्टर बनेगा इस मैच। आप बताइए क्या बोलते हैं? जी जरूर, हम फाइनल इस बार जरूर जीतेंगे। तो इधर हम चलते हैं, आप बताइए कि आज के मैच में क्या कहना चाहेंगे? आज इंडिया अच्छा खेलेगी और विराट कोहली सेंचुरी मारेगा। और इंग्लैंड इतनी मजबूत दिख रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इंडिया के बैट्समैन भारी पड़ जाएंगे। तो हिमांशु ये सारे खिलाड़ी हमको बता रहे हैं कि हम जीतेंगे और एक बार सब चीयर करना चाहते हैं विराट कोहली के पैकेज के जोर से। इंडिया 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 इंडिया। तो यहाँ सारे क्रिकेट फैन ये बताना चाह रहे हैं कि हम जीतेंगे और फाइनल पहुंचेंगे और फाइनल भी जीतेंगे हिमांशु। निश्चित तौर पर सौरभ, यहाँ पर एक छोटे से क्रिकेट फैंस ने कहा था विराट कोहली को लेकर, विराट कोहली के बारे में भी बातचीत हम करेंगे। जबलपुर का ग्वालियर को रुख कर लेते हैं, अनिल गौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो दर्शकों का रिएक्शन भी हम तक पहुंचाइए कि क्या कुछ कह रहे हैं दर्शक आज के मैच को लेकर। बिल्कुल सुमित, देखिए आज के मैच को लेकर जो उत्साह है वो आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्रिकेट प्रेमी युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनको आज कितनी उम्मीद है और किस खिलाड़ी पर। आप बताइए कि आज का मैच कितना रोमांच होने वाला है? आज का मैच काफ़ी रोमांचक हो सकता है, क्योंकि इंडिया में विराट कोहली का रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ काफ़ी अच्छा रहा है और हर बार उसने रन अच्छे बनाए, तो उम्मीद है कि विराट कोहली इस बार अच्छा खेले और इंडिया जीतेगी। बिल्कुल, तो विराट कोहली को लेकर काफ़ी उम्मीद है, आप बताइए कि आज क्या कुछ मुकाबले में आप देख रहे हैं? हाँ, आज वैसे भी पिछला मैच रोहित शर्मा ने क्या ही धुआंधार पारी खेली है, इस मैच में मुझे लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों बहुत अच्छा खेलेंगे, अच्छा स्टार्ट देंगे इंडिया को और आज इंडिया ही जीतेगी। इंडिया जीतेगी, सुमित तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो वो उम्मीद है इंडिया को लेकर, आप बताइए कि लगातार जैसे रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस बेटर रहा है, अब की बार इस वाले मैच में क्या लग रही है? जो इंडियन टीम को जो ओपनिंग जो स्टार्टअप दे सकता है ना, रोहित शर्मा को छोड़ के कोई नहीं दे सकता, बट अगर साथ में रोहित शर्मा और विराट कोहली पूरे 20 ओवर खेल जाते हैं तो रन भी अच्छे बनेंगे और टीम इंडिया का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। ठीक है, रोहित विराट कोहली बहुत बड़ी उम्मीद बहुत बड़ी उम्मीद है टीम इंडिया के लिए, पूरे देश के लिए, लेकिन विराट कोहली का फॉर्म कहीं ना कहीं मानशु चिंता का विषय यहां पर बना हुआ है। 6 मैचों में मात्र 66 रन है मानशु। पहली बार ऐसा हुआ है सुमित की वर्ल्ड कप में विराट का बल्ला शांत है, विराट ही रन नहीं बना रहे हैं, सिर्फ 66 रन निकले हैं, 11 की औसत है और कहीं ना कहीं विराट खोए से नजर आ रहे हैं फील्ड पे। फील्ड पे भी आप ढूंढेंगे तो किसी कोने में खड़े होंगे, कोई कैमरा भी उन पर फोकस नहीं कर रहा है, तो कहीं विराट कोहली कुछ ही सोच रहे हैं, क्या उनके अंदर चल रहा है ये तो पता नहीं है, लेकिन एक खास रिपोर्ट विराट कोहली की फॉर्म को लेकर, उस पूरे वर्ल्ड कप के सिनेरियो को लेकर हमने बनाई है, पहले वो दिखाते हैं। ठीक, विराट कोहली भारत और दुनिया की क्रिकेट में किंग के नाम से मशहूर कोहली के लिए T20 वर्ल्ड कप कुछ खास नहीं रहा। 1-4 और 0 ये थे विराट कोहली के शुरुआती 3 मैचों के स्कोर। इसके बाद विराट ने वापसी जरूर की, लेकिन विराट कोहली अभी तक अपने पुराने रंग में नजर नहीं आए हैं। विराट कोहली के T20 वर्ल्ड कप 2024 की 6 पारियों में सिर्फ 66 रन है और उनका औसत सिर्फ 11 का है। टूर्नामेंट के इतिहास में विराट ने
तीन नंबर पर 27 पारियां खेली थी और कभी भी 5 रन के अंदर आउट नहीं हुए थे। लेकिन जैसे ही विराट ने ओपनिंग करनी शुरू की, वो 10 रन का आंकड़ा छूने के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कहीं टीम इंडिया कोहली का विकेट आसानी से तो नहीं गंवा दे रही है। क्या उन्हें ओपनिंग छोड़कर नंबर 3 पर लौटना चाहिए? अगर कोहली नीचे आए तो ओपनिंग कौन करेगा? पहले एक बार T20 वर्ल्ड कप में 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के रिकॉर्ड्स को भी देख लेते हैं। 27 मैच में 1136 रन, 1450, बेस्ट स्कोर 94, औसत 81 से ज्यादा, स्ट्राइक रेट 131 से ज्यादा। यह है विराट कोहली के T20 वर्ल्ड कप के आंकड़े। अगर विराट को T20 क्रिकेट का डॉन ब्रैडमैन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन T20 का ये डॉन फिलहाल टीम इंडिया के लिए बुरी तरह से फ्लॉप रहा है। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2024 में विराट कोहली के आंकड़े अभी क्रिकेट फैंस को परेशान करने वाले हैं। आयरलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने 5 गेंदों का सामना किया और मात्र 1 रन बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने 3 बॉलों का सामना किया और मात्र 4 रन ही बनाए। USA के खिलाफ विराट कोहली बिना खाता खोले पहली गेंद पर ही आउट हो गए। बांग्लादेश के खिलाफ कोहली ने 28 गेंदों में 37 रन की पारी खेली थी। अफगानिस्तान के खिलाफ 24 गेंद में 24 रन बनाए थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया से खेलते हुए विराट 5 गेंदों में बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में 2 बार 0 पर आउट हो चुके हैं और विराट की इस खराब फॉर्म ने पूरे देश की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि सामने चुनौती आसान नहीं है। लेकिन अब सवाल उठते हैं कि क्या विराट कोहली तीसरे नंबर पर वापस आएंगे, और आएंगे तो टीम के कॉम्बिनेशन में क्या बदलाव हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो विराट कोहली की रिपोर्ट आपने देखी, फॉर्म उतना अच्छा नहीं है जितना बड़ा कद है विराट कोहली का। जिस स्तर के बल्लेबाज हैं वो बल्लेबाजी अभी तक T20 वर्ल्ड कप में तो हिमांशु में नजर नहीं आई है, चिंता का विषय है। और इंग्लैंड और इंडिया के हेड टू हेड मुकाबलों की अगर बात करें तो कांटे की टक्कर भाई साहब, बराबरी का मुकाबला देखिए आप। कुल 23 मैच खेले हैं, इंग्लैंड जीता है 11, इंडिया जीती है 12। और T20 में भी कुछ वर्ल्ड कप के अंदर भी कुछ ऐसे ही सिनेरियो है सुमित कि 4 मैच हुए हैं, 2 इंडिया जीता है और 2 इंग्लैंड जीता है। दो वर्ल्ड कप मैच मुझे याद आते हैं, एक तो 2007 का आपको याद होगा जब 6 छक्के मारे थे युवराज ने, उसके बाद दूसरा मैच 2022 का सेमीफाइनल था, उसमें इंडिया हार गई थी। ये T20 के आंकड़े हैं, बराबरी का मुकाबला है, बता रहे थे 23, 11 और 12, 23 मैच है कुल, 11 इंग्लैंड ने जीते हैं, इंडिया 12 यहां पर जीती है। तो देखने वाली बात होगी कि आज का मुकाबला कैसा होता है। आंकड़े तो ये कहते हैं कि भाई साहब कांटे की टक्कर है, अंग्रेजों को हल्के में हम नहीं ले सकते, आंकड़े भी यही कह रहे हैं। पिछला जो 2022 का जो वर्ल्ड कप था T20, उसमें भी एक तरफा हरा दिया था, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ल्ड कप का मुकाबला हर एक मुकाबला काफी महत्वपूर्ण। 4 में से 2 इंग्लैंड 2 इंडिया, वही मैं कह रहा हूं कि बराबरी का मुकाबला है, पूरी कांटे की टक्कर है, इंग्लैंड को हल्के में नहीं लेना है। और दूसरी बड़ी बात, इंग्लैंड सेमीफाइनल में जीत कर आई है, हमको हरा कर आई है 2022 में, तो अंग्रेजों को हल्के में आंकना कहीं ना कहीं हमारी गलती होगी। मुझे नहीं लगता कि टीम मैनेजमेंट हल्के में आके गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात सुमित कि इस बार जो बदली है तस्वीर वो ये बदली है कि पिच रिपोर्ट बदल गई है। पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया में मैच था तो फास्ट बॉलर्स के लिए पिच थी, यहां पर पिच है स्पिनर्स के लिए मददगार। जो और शायद इसलिए हम चहल की बात करते, चहल मतलब रिपोर्ट दिखाई हमने कि चहल आज खेल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज खेल सकते हैं। और शायद रोहित शर्मा भी जिस चीज की बात कर रहे थे जिसलिए मैंने चहल को चुना है, वो शायद आज का दिन है, अक्षर या जडेजा बाहर बैठ के चहल को अंदर डाला जा सकता है। क्या चहल तुरुप का एक काज होंगे, देखना दिलचस्प होगा। पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर मात्र 150 रन, 150 रन कुछ ज्यादा स्कोर होता नहीं है T20 में आजकल, और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है ज्यादा। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया ये सुमित, ऐसा है कि एक ही मैच ज्यादा जीती है, यानी एक मैच ज्यादा। ये भी बराबरी का ही मुकाबला है, 50-50 है पूरा। पहले बैटिंग करिए, बॉलिंग करिए, और हमारे समय के हिसाब से 8 बजे मैच है, लेकिन वहां सुबह 10:30 बजे मैच है, तो उसका कोई फैक्टर नहीं है। बारिश भी बाधा बन सकती है सेमीफाइनल में, बारिश की वजह से मैच धुल जाएगा तब क्या होगा वो भी जान लेते हैं। क्या बारिश इंद्र देवता मेहरबान है टीम इंडिया पर? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के लिए नहीं है कोई रिजर्व डे, जैसा कि कल भी बताया था कि 250 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं जबकि 60 पहले हुआ करते थे। हिमांशु चलिए 12:10 तक इंडिया का मैच, अगर 12:10 तक शुरू नहीं होता है उसके बाद ओवर में कटौती शुरू होगी और 12:10 तक अगर मैच शुरू हो जाता है तो पूरा 20 ओवर का मैच होगा सुमित, निश्चित तौर पर। और देखने वाली बात होगी कि क्या बारिश होती है अगर बाधा बनती है, लेकिन अगर बारिश बाधा बनेगी तो तब भी टीम इंडिया फाइनल में पहुंच जाएगी क्योंकि टेबल टॉपर है। हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं, रायपुर में मौजूद है। सौरभ एक बार फिर से बताइए, दिखाइए
दर्शकों का रिएक्शन कि किस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मान रहे हैं आज के मैच को लेकर। बॉलर्स की बात करूंगा मैं, बॉलर्स में बिल्कुल बिल्कुल सुमित, मैं पूछता हूं फिर से एक बार, हमारे साथ सर हैं जो कोचिंग देते हैं, सर कौन सा खिलाड़ी, कौन सा बॉलर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा आज? निश्चित रूप से बुमराह बॉलिंग में, और उनका बहुत अच्छा रोल रहेगा। स्पिनर्स का भी बहुत अच्छा रोल रहेगा क्योंकि तीन तीन स्पिनर हैं और आज की जो विकेट है वो थोड़ी धीमी है, तो स्पिनर का रोल भी बहुत अच्छा रहेगा। अर्शदीप काफ़ी अच्छा विकेट लेते आ रहे हैं, उनका भी रोल काफ़ी अहम रहेगा हमारे लिए। और आप क्या बताते हैं कौन हमारे लिए ट्रंप कार्ड होगा बॉलिंग में? बॉलिंग में कुलदीप यादव। क्या युजवेंद्र चहल को खिलाएंगे क्या आज? हाँ, पीस तो स्पिनर लॉन्ग के लिए तो शायद खिला भी सकते हैं। आप बता रही थी कि बुमराह बहुत अच्छा फेंकते हैं, बुमराह के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कि आज वो ही जिता सकता है, बुमराह ही जिताएंगे शायद जी। हिमांशु यहाँ देखिए, सभी लोग बोल रहे हैं कि हमारे बॉलर बहुत मजबूत हैं और बुमराह ट्रंप कार्ड साबित होंगे और मैच को जिताने में कामयाब रहेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, बुमराह से काफ़ी उम्मीदें हैं यहाँ पर और चहल से भी काफ़ी उम्मीदें होंगी अगर वो खेलेंगे। देखने वाली बात होगी कि आज का मैच किस तरीके से टीम इंडिया खेलती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, रिएक्शन हम तक पहुँचाने के लिए। हिमांशु, आप आखिरी कमेंट आपका और फिर प्रोग्राम को खत्म करेंगे। देखिए, अगर चहल को टीम में लिया जाता, जहां तक मुझे लगता है स्पिन फ्रेंडली पिच है, पर जहां तक सुमित सबसे बढ़िया अभी वेदर रिपोर्ट आई है कि मैच होने के बहुत कम चांसेस हैं। 4 घंटे 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय है, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है ड्रेनेज सिस्टम को देखते हुए कि मैच हो पाएगा। हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर ना भी हो तो भी फायदे में, इंडिया की बल्ले बल्ले है क्योंकि टेबल में टॉप पर है, पहुंच जाएगी फाइनल। तो इसी के साथ ही हमारे खास पेशकश मित्रा ही, नमस्कार।